रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। डबल हेलमेट लगाना हमीरपुर में दो पहिया वाहनों के लिए निर्देश जारी होने के बाद भी सिरदर्द बना हुआ है। आलम ऐसा है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी दो पहिया वाहनों में इक्का दुक्का ही डबल हेलमेट देखे जा रहे हैं, जिससे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि पुलिस विभाग की माने तो डबल हेलमेट का प्रावधान MBI एक्ट है। डबल हेलमेट लगाने के बारे में जागरूक करने के लिए अब पुलिस गांधीगिरी का तरीका अपनाकर लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करेगी। डबल हेलमेट लगाना हमीरपुर में दोपहिया वाहनों के लिए निर्देश जारी होने के बाद भी सिरदर्द बना हुआ है। आलम ऐसा है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी दोपहिया वाहनों में इक्का दुक्का ही डबल हेलमेट देखे जा रहे हैं, जिससे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि पुलिस विभाग की माने तो डबल हेलमेट का प्रावधान MBI एक्ट है। डबल हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने के लिए अब पुलिस गांधीगिरी का तरीका अपनाकर लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करेगी। हमीरपुर पुलिस ने भी दो पहिया वाहनों में डबल हेलमेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। DSP हितेश लखनपाल ने कहा कि MBI एक्ट में डबल हेलमेट पहनने का प्रावधान है, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाओं में पिछली सवारी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में भी पिछले कुछ दिनों में दोपहिया वाहन चालकों के सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को डबल हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले कुछ दिनों तक पुलिस गांधीगिरी तरीके से समझाने के लिए काम करेगी। मोटर व्हीकल एक्ट जब पास हुए थे 1988 में, तो अगले साल ही उसमें रूल्स बने थे। उसी में प्रोविजन है कि जो भी टू व्हीलर होंगे उसमें जो चला रहा है और जो पिलियन राइडर बैठा है, दोनों ही हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए है। प्रायः देखा गया है कि जब भी अगर बाइक का या स्कूटर का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो पीछे बैठे वाला व्यक्ति है, जिसको हम पिलियन राइडर बोलते हैं, उनकी लगभग मतलब ज़्यादा चोट उनको लगती है या कैजुअल्टी हो जाती है, क्योंकि पकड़ने की कोई चीज़ नहीं होती। तो इस करके जो 1988 के ही मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान है कि दोनों जो राइडर्स हैं वो हेलमेट पहनेंगे। तो आपके माध्यम से हम लोगों को अपील करते हैं कि आप जल्दी से जल्द अपनी सेफ्टी के लिए जो है, अगर आप टू व्हीलर यूज़ करते हैं, तो दोनों जो लोग हैं, चाहे आपके वाइफ है, आपके साथ आपका फ्रेंड है, आप उसकी भी सेफ्टी का सोचें, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स में जो है पिलियन राइडर की जो है डेथ होती है। इसमें ऐसा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जागरूकता की मुहिम चलाई थी हमने, अपने फेसबुक के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी लोगों को बताया। अगर किसी को से लगता है कि अभी और समय चाहिए, तो इसमें ये है कि हम गांधीगिरी करने की भी इसमें सोच रहे हैं कि लोगों को हेलमेट ही लेके वहीं पे खरीदवाएं कि आप आइए और ये हेलमेट लीजिए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए, आप इस चीज़ को समझिए। हमारा पुलिस को चालान करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, पर सिर्फ और सिर्फ कि ताकि अपनी सेफ्टी उनकी बनी रहे, उसके लिए पुलिस ने अभियान चलाया है आपके माध्यम से। और मैं अपील भी करना चाहूँगा, जितने भी लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, वो ज़रूर हेलमेट पहने, इससे आपकी ही सेफ्टी है।